कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, हमारी भी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा अच्छी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं। तो हम लोग इसलिए नहीं अपलोड कर रहे थे क्योंकि हमारे घर में कोई भी ओकेजन नहीं है, हम लोग कहीं भी बाहर नहीं जा रहे हैं। और मेन पॉइंट हम लोग का इस ये था कि हम लोग वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे क्योंकि आप लोग का उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मतलब हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं, वीडियो अच्छा डालने की तो कोशिश कर रहे हैं, पर पता नहीं आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए। और मम्मी तो अभी भी नहीं बोल रही थी कि नहीं नहीं बनाते हैं, क्यों बना रही हो, बट मैंने बोला नहीं, हम लोग अपने फैमिली से इतने दिन तक नाराज तो नहीं रह सकते हैं, बिकॉज हमारी भी फैमिली वेट कर रही है कि हम वीडियोज़ डालेंगे और कब हम मतलब आप लोग इन्जॉय करेंगे। तो आज है संडे और सावन स्टार्ट हो चुके हैं और कल है सावन का फर्स्ट मंडे, तो कल मम्मी रखेगी फास्ट और इसी वजह से मैं आज शूट करना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कल तो मैं घर अच्छा घर से स्कूल पहुंच जाऊंगी, तो इसी वजह से मम्मी शूट कर भी पाएगी या नहीं, तो जितना भी मम्मी शूट कर पाएगी आप लोग को मम्मी दिखाएगी। और मम्मी यहाँ पे देख रही है और हेलो फैमिली, और हम लोग वेट कर रहे हैं पापा का और पापा आएंगे और हम लोग डिनर करेंगे। तो मिलते हैं आप लोग से कल। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, एंड मैं आप लोगों को मैं एक गुड न्यूज बताने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक देखें और एंजॉय करें वीडियो को। मिलेंगे कल। ओह माय गॉड, वाओ। The next day. Hello family, good morning. तो आज सोमवार का दिन है, सावन का पहला सोमवार है और मैं अभी सुबह सुबह उठ के घर के सारे काम तो नहीं बोलूँगी, कुछ कुछ काम मैंने कर लिए हैं, जैसे कि बेटी को मैंने स्कूल भेज दिया, उसे रेडी करके उसका सब कुछ लंच वगैरह बना के, लंच में मैंने आज उसे इडली दिया है क्योंकि कल शाम को ही नाश्ते में हम लोग इडली खाए थे, तो उसी का बैटर मैंने रख दिया था, तो आज उसे मैंने दे दिया है उसी को आज इडली और बादाम की चटनी। तो आज मैंने कलर किया है बालों में क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी हीना लगाने का, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो मैं आज इंस्टेंट में मैंने कलर ही लगा लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मतलब पके पके बाल दिखाई दे रहे थे। पहले मैंने रात के बर्तन तो धुल लिए थे, रात के बर्तन धुल के किचन की सफाई करके उसके बाद मैंने लंच रेडी किया उसका, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे बर्तन हो चुके हैं क्योंकि इडली वगैरह बनाने से ऐसे भी बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और मैं किचन की भी अच्छे से सफाई कर रही हूँ आज क्योंकि आज फिर से फास्टिंग है, तो मेरा भी मतलब अच्छे से क्लीनिंग करके ही चाय वगैरह कुछ भी पीऊँगी इस वजह से, तो वो सब मैं भी करूँगी। और ये देखिए मैं आज बेडशीट वगैरह भी चेंज कर रही हूँ क्योंकि मतलब फास्टिंग है और फास्टिंग के दिन में पहले का बेडशीट वगैरह मतलब हम लोग साथ में बैठ के खाना वगैरह भी खा लेते हैं मेट पे, तो फिर मैं आज फास्टिंग में बैठूँगी सोऊँगी, इस वजह से टाइम बहुत कम है। तो अब मैं सब कुछ करके नहा धो के आप, तो फ्रेंड्स अभी मैं नहा के आ गई हूँ और नहा के आके मैंने साड़ी पहन लिया है और मांग भी भर लिया है और बाद बाकी मैं अभी रेडी होऊंगी और उसके बाद पूजा करूंगी पहले घर की, उसके बाद जहाँ लग रहा है कि जल्दी से पानी पी लूं। तो अच्छा कोई नहीं, पूजा करके आऊंगी उसके बाद शरबत वगैरह पी, धीरे धीरे से रेडी इसलिए हो रही हूँ क्योंकि दूध आज तो भोले बाबा का पूजा है और उसमें दूध ही सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो दूध थोड़ा देर से आएगा, 10 बज चुके हैं तो मैं एक घंटा मुझे रेडी होने में और पूजा करने में लगेगा घर का, तब तक दूध भी आ जाएगा, तो उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगी। तो मैं रेडी होती हूँ उसके बाद आप लोगों को पूरा लुक दिखाऊँगी। तो आज मेरी साड़ी बहुत दिन की साड़ी है जो कि मैं आज पहनी हूँ और ये पल्लू यहाँ पे मतलब फिक्स किया हुआ है, तो बहुत इजी है इस साड़ी को पहनना। बस अब मैं रेडी होती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ पूरी तरह से तैयार। गर्मी काफ़ी है जिसके वजह से तुरंत ही पसीना हो जा रहा है चेहरे में। और ये देखिए मेरा पूरा लुक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बैक कैमरा से, क्योंकि कोई है नहीं अभी घर पे। मेरी बेटी रहने से ये सब प्रॉब्लम नहीं होता है, पर वो है नहीं, स्कूल गई है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बैक कैमरा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये साड़ी काफ़ी दिनों की है, कम से कम मतलब 8-9 साल पुरानी, 9 साल से ऊपर ही होगा, शादी के तुरंत बाद का ही ये साड़ी है। आज बहुत दिनों के बाद मैं ये साड़ी पहनी हूँ। कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। ओह माय गॉड, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग चले आए हैं मंदिर में, और यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी दोनों ही पूजा कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिवलिंग का सबसे पहले अभिषेक किया जाता है, जैसे दूध दही घी मधु से, तो वही अभी हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद जो भी माला फूल और फल मिठाई जो कुछ भी लेके गए हैं वो सब कुछ ही अर्पित करेंगे भोले बाबा को, और उनसे अपनी मनोकामनाएँ मांगेंगे अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने अपने लिए, सभी के लिए, और आप सभी के लिए भी। तो इस तरह से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे पूजा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को वीडियो थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि मतलब लग रहा है कि लेफ्ट हैंड से पूजा कर रहे हैं, बट यहाँ पे फ्रंट कैमरे से मैंने सेट कर दिया था वीडियो को शूट हो करने के लिए, क्योंकि कोई था नहीं और बैक कैमरा से समझ में नहीं आया था, तो दीवार के पास ऐसे ही रख दिया था। तो फ्रंट कैमरे से शूट हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा उल्टा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और लग रहा होगा कि मंदिर पूरा खाली है। बंगाल में मतलब ये सावन के सोमवारी का उतना महत्व नहीं है जितना और जगहों में है। खाली होने के वजह से हम लोग पूजा बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं, शांति से, इसकी खुशी होती है। यहाँ पे हमारा पूजा हो चुका है समाप्त, और अब हम लोग आशीर्वाद लेंगे भोले बाबा से और घर आ जाएंगे। फ्रेंड्स, चली आई हूँ पूजा करके, और फर्स्ट है आज, मतलब पहला सोमवार है, जिसके वजह से सिर में दर्द मतलब हो रहा है, स्टार्ट हो गया है थोड़ा, तो जिसके वजह से चाय पीना ही पड़ेगा। पहले सोची थी कि नहीं पीऊँगी एक ही बार शाम में, बट आज पहला है ना, तो पहला दिन थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो इसी वजह से अभी मैं बैठाई हूँ, चाय पी लूँगी। पानी वैसे मैं पी ली हूँ आ करके, और अब चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर खाना भी बनाना है, तो इधर खाना भी चाय बनाने के बाद मैं बनाऊँगी बेटी के लिए और हस्बैंड के लिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, देखती हूँ। और लगभग अभी 1:30 बज चुके हैं, बेटी स्कूल से आएगी 2:30 बजे, तो चाय पी के बस खाना बना दूंगी उन लोगों के लिए, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, फिर पूजा का जितना सब कुछ निकाली थी बर्तन वगैरह जो भी कुछ सब समेटूंगी, फिर शाम को मिलती हूँ आप लोगों से। शाम को क्या करती हूँ देखती हूँ, क्या अपना खाने का फलाहार करती हूँ वो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। आप सभी को सावन की पहली सोमवारी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी शूट कर रही हूँ, तो मम्मी से जितना शूट हो पाया मम्मी शूट की है, और अभी मैं स्कूल से आ गई हूँ, और हम सब ने मिलकर खाना खा लिया है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लूँ। और यहाँ पे मम्मी अभी थोड़े से रील्स बना रही थी,
और रील्स बना के अभी मम्मी बोली चलो शूट कर लो। अभी कपड़ा उठा के आई है मम्मी, इसलिए कपड़े वैसे ही रखे हुए हैं। अब कपड़े समेटूंगी और अभी मैं चेंज करके अब थोड़ा रेस्ट करूँगी। बट अभी बहुत सारे बर्तन भी हैं धुलने के लिए, तो अब जो भी करूँगी शाम को करूँगी। अभी क्या करूँगी? रेस्ट। कपड़ा वेट कर, आपको दिखा रही हूँ कैसे रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे चल रहा है एसी, काफी काफी गर्मी है। भले ही सावन है, बट दो तीन दिन से यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है। कैसा लगा आज स्कूल से आने में? अच्छा लगा, आज मेरा टेस्ट भी था, आई गॉट फुल मार्क्स। फुल मार्क्स मिला है? ठंडा लग रहा है? नहीं। देखिए कैसे सो रहे हैं चद्दर टांग, क्योंकि 5 बजे पापा को निकलना होता है और आते बहुत लेट है, तो पापा काफी थक जाते हैं, इसलिए अभी दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, इसलिए धीरे धीरे से बातें कर रहे हैं हम लोग। और अगर आपको साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो प्लीज एडजस्ट करो। फ्रेंड्स, तरुषी तो यहाँ पे ड्राइंग कर रही है और मैं अभी बनाऊंगी अपने लिए साबुदाना। मैं साबुदाना जरूर खाती हूँ फास्टिंग में, क्योंकि मतलब उससे मम्मी को एनर्जी एनर्जी मिलता है, प्लस मैं खा भी लेती हूँ। वैसे फल वगैरह कच्चा फल मैं खा नहीं सकती हूँ। और मम्मी को दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इसीलिए, और मतलब हम लोग मैके में सब दिन से साबुदाना ही खाते आए हैं। ऐसे मेरे यहाँ पे मेरी सासू माँ लोग गैस पे मतलब आग पे बनाया हुआ कोई चीज़ नहीं खाती, कच्चा फल वगैरह ही खा के रहती है। बट हम लोग पहले से ही खाए हैं शुरू दिन से, तो खा लेते हैं। और ये लोग के लिए खाना नहीं बना रहे हैं बिकॉज मेरा मतलब सर में काफ़ी दर्द हो चुका है। बहुत दिनों के बाद आज फास्टिंग रखे हैं। ऐसे जब पहले बृहस्पतिवार करते थे या फिर 16 सोमवारी भी किए हैं कितने बार, तो जब रेगुलर करते रहते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अभी बहुत दिनों से लगभग 1 साल से फास्टिंग, रेगुलर फास्टिंग नहीं रख रहे हैं, वही बस जो कभी कभी कुछ तीज हुआ, वर्षावित हुआ, ऐसा कुछ किया। और तो जब भी कर रहे हैं तब भी मेरे सिर में दर्द हो रहा है काफ़ी, चाय पीने के बावजूद भी। इस वजह से आज इसके पापा भी बोले, तरुषी के पापा और तरुषी भी, कि आज हम लोग बाहर से ही खाना खाएंगे। तो ये तो मेरा मन कर रहा था रेस्टोरेंट जाने का, बट रेस्टोरेंट नहीं जाना होगा क्योंकि मतलब लहसुन प्याज ऐसे तो सावन में खा रहे हैं, बट कम से कम सोमवार को तो मानेंगे, इसलिए जहाँ से भेज खाना मिलेगा वो भेज खाना ही लेकर के आएंगे। ये देखिए ये मैंने बनाया, और अब मैं तो ये देखिए फ्रेंड्स, मम्मी यहाँ पे कर रही है फलहार, तो इसमें है साबुदाना, खीरा, ये एप्पल, ये है अमरूद और केला, और पानी लिए है मम्मी। और अभी मैं भी मम्मी के साथ थोड़े से फल खाऊंगी और फिर खाना खाऊंगी और सो जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी से वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आप सभी से एक गुड न्यूज़ शेयर करूंगी, तो वो गुड न्यूज़ ये है कि मैंने और मम्मी ने अपना एक न्यू चैनल बनाया है जिसका नाम है ST Entertainment। और अभी मजा आएगा ना वीडियो, आपको इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जितना प्यार आपने इसमें दिया है, इस चैनल पे दिया है, उतना ही प्यार उस चैनल पे भी देना और उससे ज़्यादा दीजिएगा, और इस चैनल को भी आगे और बढ़ाइए, और हम आपके लिए और भी बहुत सारे मज़ेदार वीडियोस लाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।